नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर वर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आज इस बात पर चर्चा करने वाला हूं कमेटी कॉपीराइट स्ट्राइक और कमेटी गाइडलाइन के बारे में। दोस्तों, जो बहुत से नए यूट्यूबर हैं ऐसे, जो उन्होंने तो नया चैनल क्रिएट कर लिया है लेकिन बट उन्हें कॉपी गाइडलाइन और कमेटी गाइडलाइन कॉपी के बारे में पता ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं सबके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको पूरी तरह अच्छी बात समझ में आएगी कमेटी गाइडलाइंस और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल पर जो नया होगा मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो अच्छी लगने पर उसे एक लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए आज के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कॉपीराइट सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया, जैसे कि किसी का हम वीडियो या किसी का वीडियो का थोड़ा सा भी चीज़ मिल जाता है, जैसे कि किसी मूवी का सीन ले लेते हैं या किसी और चीज़ का सीन ले लेते हैं, या मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो किसी को होता है, तो वो क्या होता है, क्या कहते हैं, हमारे वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती है। इससे क्या होता है, क्या दोस्तों, ये जो उसे होता है कि हमें वीडियो पर 3 महीना कोई अर्निंग नहीं होगा दोस्तों। मेरे चैनल पर कोई 3 महीना किसी भी वीडियो पर मेरा चैनल 3 महीना के लिए स्ट्राइक को रोक दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कि बंद तो नहीं होगा, मेरा वीडियो डाल सकते हैं लेकिन उस पर कोई अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगा। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक होने पर क्या होता है, हमारे चैनल डिसेबल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है पूरी तरह। और उसी तरह दोस्तों होता है एक कमेटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक में फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें तो हम इसमें भी दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक की तरह है, इसमें 3 होते हैं। इसमें भी 3 लगने पर हमारे चैनल को पूरी तरह डिसेबल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कॉपीराइट गाइडलाइंस होता है क्या कि हम किसी वीडियो या किसी सॉन्ग लेके या उस का हम अपने वीडियो में डाल देते हैं, हमारा खुद का कॉन्टेंट नहीं रहता किसी और कॉन्टेंट में, तो दोस्तों उसमें कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक लगा देता है। इसमें कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक में होता क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें होता यह है कि मैं जितना भी मेरे वीडियो पर अर्निंग होगी, सारा अर्निंग उस ऑनर को जाएगा, हमको नहीं मिलेगा दोस्तों, सारे ऑनर को जाएगा। क्योंकि उसका गाना है, उसकी सॉन्ग है, वो सीधे कहता है, उसका कहना है कि भाई जिसका गाना है उसके पास, जिसका चीज़ है उसके पास जाएगा। दोस्तों हमारा, हम तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हमारे सॉन्ग है जो क्या है, किसी और का है। तो दोस्तों जिसका है उस पर कॉपीराइट अब कमेटी गाइडलाइंस जो स्ट्राइक दिया वो तो हमें अब इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या है, कब तक नहीं हटता है, 3 महीने तक नहीं हटता है दोस्तों, 3 महीने तक इसी तरह रहता है, इस पर लगा रहता है। वो उस पर गाने का उस वीडियो पर का पूरा अर्निंग उस ऑनर को जाएगा जिसका वो जिसका कंटेंट है। तो दोस्तों इससे बचने का तरीका है कि दोस्तों इससे सबसे पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जब चैनल पर कॉमेटी गाइडलाइन लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कॉमेटी गाइडलाइंस लग जाने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस वीडियो को डिलीट ही कर देना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे तो हमारे कमेटी गाइडलाइन स्ट्राइक बहुत जल्द ही हटने का चांस रहता है। ये 3 महीना तक ही नहीं जाएगा, ये हो सके हम कुछ दिन में ही हट जाए, 1 हफ्ते, 2 दिन, 1 दिन ऐसे भी हटा सकता है दोस्तों। ये इसे हट ऐसे वीडियो डिलीट कर देने से हमारा चैनल भी सही हो जाएगा, हमारा हमारे कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आई होप मुझे आप ये वीडियो आपको सबको पसंद आई होगी। कमेटी गाइडलाइंस और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आप समझ ही गए होंगे, कमेटी गाइडलाइंस से आता होता क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक खासतौर लोग कमेटी गाइडलाइंस के बारे में सब समझ गए होंगे, बहुत लोग तो कमेटी गाइडलाइन के लिए जानते ही नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो पर। और दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगा होगा, आप कैसा लगा उसे कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें। और दोस्तों मैं अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात आप बताएं हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, और उस पर आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।